एवरी वन आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज हम इस वीडियो में वी विल डू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रूविंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ क्लास टेंथ देखिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस करने में बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं रीज़न क्या होता है क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं तो इस वीडियो में मैं बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़रूर आसानी हो तो सबसे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए सबसे पहली बात हमें ये मालूम होना चाहिए कि हाउ मैनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वी हैव टू स्टडी इन क्लास टेंथ तो ओनली थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वी विल स्टडी इन क्लास टेंथ देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्व टू वन दिस इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्व टू वन देखिए ये हीरो आइडेंटिटी है इसके दो बेटे हैं डैट इज देखो पहला बेटा साइन स्क्वायर थीटा इक्व टू वन माइनस कास् स्क्वायर थीटा दूसरा बेटा क्या है कार स्क्वायर थीटा इक्व टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा दूसरी हीरो आइडेंटिटी क्या है डेट इज सेक स्क्वायर थीटा इक्व टू वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इसका एक बेटा क्या है देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल्स टू टाइन स्क्वायर थीटा दूसरा बेटा इसका क्या है देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्व टू वन देखो तीसरी आइडेंटिटी कौन सी है ये है कासेक स्क्वायर थीटा इक्व टू वन प्लस कार्ट स्क्वायर थीटा देखिए इसके भी दो बेटे हैं ये क्या है कासेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्व टू कार्ट स्क्वायर थीटा और सेकेंड वन इज द का स्क्वायर थीटा माइनस का स्क्वायर थीटा इक्व टू वन अब देखिए यहाँ पर आपको कुल मिला के ये यू हैव टू स्टडी द थ्री आइडेंटिटीज और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली इट मीन्स क्वेश्चंस विल बी आल्सो इजी अगर हमारे पास कंसेप्ट लिमिटेड है तो नेचुरल सी बात क्वेश्चन भी इजी होंगे इसका मतलब हमें बेसिक्स नहीं क्लियर होते हैं तो सबसे पहले टुडे आई विल टेल यू द बेसिक्स ऑफ

टी रेशियोज डेट इज टिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखिए हम इसको कंपेयर किससे करेंगे वेरिएबल से वेरिएबल से और इधर क्या हमारे हैं टी रेशियोज हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप देखो द एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज वेरी सिमिलर टू द एडिशन सप्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स अब देखो जैसे हमने कहा टू एक्स प्लस थ्री एक्स इसकी वैल्यू क्या होगी आप कहोगे सर फाइव एक्स इसका मतलब ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है ऑलवेज लाइक वेरिएबल्स गेट एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड मतलब अगर वेरिएबल की शक्ल सूरत एक जैसी है तो उनके हम नंबर्स को ऐड करेंगे आई होप समझ में आ गया होगा इसी तरह हम अगर कहें कि सेवन एक्स माइनस थ्री एक्स क्या होगा देखो सकल सूरत एक जैसी सप्ट्रैक्ट हो जाएगा ये फोर एक्स अगर हम कहें माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स एक्स सकल सूरत एक जैसी है माइनस इलेवन एक्स अगर हम कहें फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन एक्स क्या होगा देखो यहाँ पर ये यह एज इज रहेगा फोर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखो इन दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी है ये सेप्रैक्ट हो जाएंगे माइनस फाइव एक्स आई होप समझ में आ गया होगा अगर हम कहें टू एक्स प्लस थ्री वाई क्या होगा ये इक्वस टू इसको हम ऐड करेंगे देखो सकल सूरत एक जैसी नहीं है तो दे विल रिमेन एज इट इज आई होप समझ में आ गया अब देखिए सेम कंसेप्ट को मैं कोरिलेट यहाँ करता हूँ इसी तरह जैसे लाइक वेरिएबल्स गेट एडेड एंड सप्रैक्टेड इन सेम वे द सेम प्रेग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी एडेड ए सप्ट्रैक्ट देखो मैंने कहा कि टू साइन थीटा प्लस थ्री साइन थीटा देखो बेटा सकल सूरत एक जैसी नंबर एड कर दो टू प्लस थ्री क्या हो जाएगा फाइव साइन थीटा इसी तरह मैंने कहा थ्री टैन थीटा प्लस फोर टैन थीटा देखो सकल सूरत एक जैसी एड कर दो कितना हो जाएगा सेवन थीटा इसी तरह मैंने कहा टू कास्ट थीटा माइनस सेवन थीटा देखो सकल सूरत एक जैसी सेम टेग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे माइनस फाइव कास्ट थीटा अब हम कहें टू टू साइन थीटा प्लस फोर कास्ट थीटा ये ऐड होंगे कत्ता ही नहीं सकल सूरत एक जैसी नहीं है ठीक है आई होप ये बात समझ में आ गई होगी अब उसके बाद देखो उसके बाद अब हाउ वी विल मल्टीप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी रेशियोज इज़ वेरी सिमिलर टू द वेरिएबल्स अब देखो बेटा पहले वेरिएबल्स के केस में देखते हैं अगर हम कहें थ्री एक्स प्लस फोर एक्स मल्टीप्लाई करना इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है नंबर एज वेल एज वेरिएबल्स गेट मल्टीप्लाइड अब देखो फोर थ्री जा ट्वेल्व अब देखो बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी ट्वेल्व एक्स स्क्वायर इसी तरह देखो माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करो सिक्स थ्री जा एटीन माइनस एटीन देखो बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी एक्स स्क्वायर अब इसी तरह हम कहें फोर एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई देखो मल्टीप्लाई करो फोर टू जा एट माइनस एट हो जाएगा देखो बेटा ये क्या है एक्स एक्स क्यूब कर लेते हैं ये देखो बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी एक्स रेस टू फाइव और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई रेस टू पावर टू हो जाएगा इसी तरह देखो हमने बोला माइनस टू एक्स वाई जेड प्लस फोर सॉरी इंटू फोर क्यू अब देखो फोर टू जा एट माइनस एट हो जाएगा और यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड और क्यू हो जाएगा सेम वे में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को भी मल्टीप्लाई करते हैं अब देखो हमारे पास क्या मतलब इनकेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ नंबर एज वेल एज रेशियोज गेट मल्टीप्लाइड अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो जैसे मैंने कहा टू साइन थीटा इंटू फोर साइन थीटा देखो फोर टू जा एट एट हो जाएगा अब यहाँ पर देखो बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी अगर पावर कुछ पावर वन होगी तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर पावर को एंगल के पहले स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं ये चीज़ ध्यान रखना आप यहाँ पर ये चीज़ मत लिखिएगा कि साइन थीटा स्क्वायर ये रंग हो जाएगा ठीक है इसी तरह देखो मैंने कहा माइनस थ्री साइन थीटा इंटू फोर साइन स्क्वायर थीटा कास्ट थीटा अब मल्टीप्लाई कर। करो देखो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो फोर थ्री या ट्वेल्व ये देखो सकल सूरत एक जैसे अब पावर ऐड हो जाएंगे ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और कास्ट थीटा अब देखो जैसे माइनस थ्री का थीटा इंटू फोर साइन थीटा क्या हो जाएगा फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व साइन थीटा कास्ट थीटा अब देखो जरा देखिए एप्लीकेशन देखिए अब आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्रेम से बोलो जय माता की अगर हम यही चीज कहें साइन थीटा प्लस कास् थीटा का होल स्क्वायर ये देखो इसकी शक्ल सूरत किससे मिल रही है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इसका मतलब हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास्ट स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कास् थीटा एक चीज़ और देख लो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है देखो ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने ये भी बताया जब भी होल स्क्वायर होल क्यूब वाली आइडेंटिटी हो तो अगर होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है तो ब्रेकेट के अंदर जितने टर्म होंगे सभी का क्यूब लिखेंगे प्लस थ्री एक्स वाई विद इन ब्रेकेट एक्स प्लस वाई ये तो बहुत सिंपल है अब इसमें क्यों डरना है साइन थीटा प्लस कॉस्ट थीटा का होल क्यूब देखो दोनों का क्यूब करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और ये कास क्यूब थीटा प्लस थ्री साइन थीटा इंटू कास थीटा थ्री ए बी थोड़ी देर के लिए अगर हम एक्स और वाई मान लेंगे तो आप वैसे ही ओपन करना जैसे आप वेरिएबल का केस में ओपन करते हो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा आई हाँ होप ये बात समझ में आ गई होगी तो नाउ वी विल डू द फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रूविंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इफ एनी बडी हैविंग एनी कन्फ्यूजन देन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन ओके एंड नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कह सकते बहुत ही हलवा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी आई एम टेलिंग यू इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या प्रूव करना वन माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स टू वन जब भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन होंगे सबसे पहले आप हमेशा एल से ही स्टार्ट करोगे तो एल क्या है देखो ये है वन माइनस काश स्क्वायर है इंटू काश स्क्वायर अब देखिए याद करिए जहाँ पर वन माइनस काश स्क्वायर है वन माइनस साइन स्क्वायर है वहाँ पर आइडेंटिटी अप्लीकेबल होगी कौन सी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटाक्स टू वन माइनस कास स्क्वायर थीटा अब देखिए यहाँ पर एंगल थीटा की जगह पर यहाँ पर एंगल ए है बस बाकी आइडेंटिटी वही है तो हम क्या लिख सकते हैं एट द प्लेस ऑफ वन माइनस कास स्क्वायर ए वी विल राइट साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए आप देखो बहुत ही सिंपल ये साइन स्क्वायर ए है और ये काशे का रेसिप्रोकल क्या होगा साइन डेट इज वन अपान साइन स्क्वायर ए अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा वन which इज इक्वल्स टू आर एच एस बाद में लिखोगे हैंड्स प्रूव्ड देखिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहा दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर देखो ये टैन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखो यहाँ पर एल एच एस से स्टार्ट करेंगे ये देखो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा देखो टेन स्क्वायर थीटा का हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपान का थीटा डैट इज साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा इन टू का स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएगा आप देखो साइन स्क्वायर थीटा याद करो पहले आइडेंटिटी को क्या होती आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस का स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा वन माइनस का स्क्वायर थीटा विच इज इक्व टू आर एच एस हैंस प्रूफ और देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड इसके बाद एक दो अच्छे क्वेश्चंस करेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है टैं थीटा प्लस वन अपॉन टैन थीटा इक्वल्स टू थीटा इंटू से थीटा सेम वही काम करेंगे एल एच एस स्टार्ट करेंगे देखो टैन थीटा पान वन प्लस टैन थीटा अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते चाहे आप एल सी एम ले लो चाहे साइन थीटा थीटा के फॉर्म में ले लो तो हम बेटर है कि एल सी एम लेते हैं देखो ये हो जाएगा एल सी एम क्या हो जाएगा टैन थीटा यहाँ क्या आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन ये वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा अपान टैन थीटा ये किसकी आइडेंटिटी है सेकेंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्व टू वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये सेक स्क्वायर थीटा अपान टैन थीटा अब देखो प्रूविंग में क्या लाना है कॉशिक थीटा देखो ये सेक स्क्वायर थीटा आपका रहेगा वन अपान टन थीटा क्या लिखेंगे कार थीटा अब देखिए ये क्या हो जाएगा ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा और कार थीटा को हम क्या लिखेंगे कास् थीटा अपान साइन थीटा ओके आप देखो यहाँ से थोड़ा सा आप देखो ये सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपान का स्क्वायर थीटा इंटू ये कास्थीटा अपान साइन थीटा एक का से कास कैंसिल हो जाएगा बचेगा वन अपान कास थीटा इंटू साइन थीटा अब देखिए बिल्कुल परेशान नहीं होना इसको हम क्या लिखेंगे वन अपान कास थीटा इन वन अपान साइन थीटा अब वन अपान थीटा क्या होता सेक् थीटा और वन अपान साइन थीटा क्या होता है कासेक थीटा ये प्रूव हो गया विच इज इक्वल्स टू आर एस आर एच एस हैंस ये हो गया उसके बाद थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखें ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है देखो ये अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर है क्या ये देखो ये वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्व टू cosec थीटा माइनस कार थीटा देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता क्या करेंगे एल एच एस देखो वन माइनस थीटा वन प्लस थीटा आप देखो यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं देखिए कोई भी आइडेंटिटी अप्लीकेबल नहीं है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लीकेबल नहीं है एक यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है। जब भी आपके डिनोमिनेटर में वन प्लस कास्थीटा हो वन माइनस का थीटा हो वन प्लस साइन थीटा हो वन माइनस साइन थीटा हो सेक्कटा माइनस टैन थीटा हो सेक्स थीटा प्लस टैन थीटा हो का सेक् थीटा माइनस थीटा हो कारसे थीटा प्लस कार थीटा हो तो आप हमेशा इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे ओके okay? कांजुगेट का मतलब क्या होगा मिड का साइन चेंज करोगे देखो ये क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस् थीटा अपान वन प्लस कास थीटा। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा देखो वन माइनस थीटा अपान वन प्लस कास थीटा। रेन से बोलो जय माता की अब देखो इसको क्या लिख सकते हो ये वन माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर है अब यहाँ पर हमेशा आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी अप्लीकेबल यहाँ पर माइनस साइन होगा देखो यहाँ पर ये ए प्लस बी है ए माइनस बी है ये क्या हो जाएगा वन माइनस का स्क्वायर थीटा अब ये क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान ये क्या आइडेंटिटी हो जाएगी पहली आइडेंटिटी वन माइनस का स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा आप प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें आ जाएंगी अब ये क्या हो जाएगा देखो स्क्वायर रूट के अंदर वन माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर आप देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट इनवर्स फंक्शन होते कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद ये वन वन माइनस वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बस इसको हम सेपरेट कर लेंगे अलग अलग करेंगे ये क्या हो जाएगा वन अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा अब वन अपान साइन थीटा क्या होता है कॉसिक थीटा और ये माइनस कारथ थीटा और ये होगा आर एच एस हैंस प्रूव्ड आई होप समझ में आ गया होगा और देखिए लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और क्या कहते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ठीक है और देखो नाउ जस्ट सी डेट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव मीन्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ओके क्या करना है प्रूव डैट टैन थीटा अपान वन माइनस कार थीटा प्लस कार थीटा अपॉन वन माइनस टैन थीटा इक्व टू वन प्लस टैन थीटा प्लस कार थीटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही काम करेंगे एलएचएस से शुरुआत करेंगे देखो टैन थीटा अपान वन माइनस कार थीटा प्लस कार थीटा अपान वन माइनस टैन थीटा सिर्फ कैलकुलेशन करना है घबराना नहीं देखिए कोई भी आइडेंटिटी अप्लीकेबल नहीं होगी अगर हम यहाँ पर कानजू से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा बेटर है कि हम क्या करेंगे जब कुछ नहीं है तो क्वेश्चन से खिलवाड़ ही करो टैन थीटा को हम चेंज करेंगे किस में देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ पर क्या होगा वन माइनस कार थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा देखो प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये वन टेन थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा अब देखो हम क्या करेंगे वी विल टेक एलसीएम अब देखो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा उसके बाद ये क्या हो जाएगा एलसीएम लोगे ये आ जाएगा आपका साइन थीटा ये हो जाएगा देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पर देखो ये कॉस थीटा अपान साइन थीटा फिर ये एलसीयम हो जाएगा हमारा कॉस थीटा कॉस थीटा ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये क्या हो जाएगा नीचे ये कॉस थीटा और ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसी तरह ये देखो फर्स्ट और लास्ट ओके ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये देखो साइन थीटा साइन थीटा और ये कास् थीटा माइनस साइन थीटा आप ध्यान से देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर यहाँ पर साइन थीटा माइनस थीटा है यहाँ पर कास थीटा माइनस साइन थीटा अगर माइनस काम माइनस कामल ले ले तो हमारा काम बन जाएगा अब देखिए पहले लेता हूँ मैं ये क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन कामन ले लिया देखो ये साइन थीटा और ये माइनस साइन कामन लोग ये देखो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस कास थीटा हो गया अब देखो ये चीज़ कामन तो यहाँ पर कामन लेंगे हम तो वन अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा कामन ले लिया अब देखो बचा हमारा क्या ये साइन स्क्वायर थीटा अपन थीटा माइनस का स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अब हमारे पास और क्या ऑप्शन फिर हम एल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा माइनस कास्थीटा अब देखो ये ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास्थीटा एल डिवाइड करेंगे साइन थीटा कास्थीटा कास् थीटा से बहुत सिंपल है देखिए एल है और एल को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे साइन थीटा कास् इंटू कास थीटा कास कास कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा सेम वे में ये हो जाएगा कास क्यूब थीटा आप याद करो अलज्रिका आइडेंटिटीज इसकी सकल सूरत ए क्यूब माइनस बी क्यूब से बस अप्लाई कर दो फार्मूला देखिए इसकी शकल सूरत किससे मिल रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहीं पर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है ये वन साइन थीटा ये माइनस कास्थ थीटा देखो आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी डैट इज साइन थीटा माइनस कास् थीटा फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डेट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा कास्थ थीटा अपान ये साइन थीटा तो टू देखो ये ये कैंसिल हो जाएगा ठीक अब देखो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है लेकिन समझने कोशिश करेंगे अब ये है देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास्ट स्क्वायर थीटा केवल पेशेंस रखना है पेशेंस नहीं खोना है साइन थीटा कास्थ थीटा अपान साइन थीटा इंट्रांस थीटा अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ी स्पेस की कमी आई है तो मैं रफ करके यहाँ लिखे दे रहा हूँ ठीक है अब देखो अलग अलग सेपरेट कर लो इनको ठीक है तो ये हो जाएगा देखो ये साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा कास स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा और ये क्या हो जाएगा देखो साइन थीटा कास थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा कास थीटा देखो एक से साइन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा रहेगा साइन थीटा पान कास थीटा ये हो जाएगा टाइन थीटा एक कास से कास कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर कॉस् थीटा है कास थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा अपान साइन थीटा सॉरी थीटा हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा ये प्लस वन हो जाएगी यही हमें प्रूव करना वन प्लस थीटा प्लस थीटा हैंस प्रूव्ड आई होप आल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड देन continuously keep on watching my videos and support me but at last not in least one humble request from my side don't forget to like and subscribe my channel and also write the comments and if you want to give any suggestions then most welcome you give the suggestion and see the next video of based on the proving of trigonometric identities that will be very important video and in that video i will do the tough questions in very easier way so don't forget to see that video and uh, hoping positively and uh, now it's time is over now thank you